नमस्ते बच्चों, अब हम 8.1 का सातवां क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला इसमें 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखेंगे हाल कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, हम लाल बट्टे कक्का लिखते हैं, आपको पता होगा, यहाँ लिखते हैं लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का हम देखें कोट कहाँ आता है, साइन कॉस टेन कोट यहाँ आता है, आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे। अब आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है अपने पास में, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का 7 49 होते हैं, 8 बटे 64 इनको जोड़ लीजिए, 9 4 13 असल 1 6 4 10 111। ये वैसा का वैसे ही रह जाएगा, करण का मान कितना हो जाएगा 1√113 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन का कोस का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, देखिए लंब का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 8, कर्ण कितना है अपने पास में √113। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या करें, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है √113। ठीक है, अब ये मान है इस सवाल के अंदर हम रखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, इसका पहला भाग यहाँ उतार लेते हैं, ये पहला भाग ये उतारते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में ये भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहीं हल कर लो, देखो वन एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो इसको मैं देखो ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप यदि हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीधा, और बट्टे में इसको हल करोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, अब ये मान यहाँ रख सकते हैं आप लोग। ठीक, साइन थीटा बराबर कितना है अपने पास में 8/1 माइनस साइन का मान है 8/√113, इसको ऐसे लिखें, और ये 1 माइनस कॉस का मान कितना है 7/√113। ठीक है, अब हम देखो 1 माइनस हम क्या लिखेंगे, 8 का 8 बटे 64 होता ही है, बट्टे इसका कितना हो जाएगा 113 आ जाएगा, बट्टे ये भी 1 माइनस 7 49 होता है और ये 113 आ जाएगा। ठीक है, इसका आप लघुतम लोगे तो 113 आ जाएगा। ठीक है, 113 माइनस 64 हो जाएगा, अब और इसका भी लघुतम लोगे तो कितना 113 आ जाएगा, 113 और -49। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर को, ठीक है मैं थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अपने पास जगह कम आ रही है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से आपको मैं इसको मिटाने करके यहाँ से कर सकते हैं हम चाहे। ठीक है ना, 113 में से 64 घटा लीजिए, अरे 113 से 113 ये काट दीजिए पहले, 13 में से 4 गए 9 बच गए। ठीक है, और यहाँ 10 में से 4 6 गए 4 बच गए 49। अब यहाँ देख लीजिए 13 में से 9 गए 4 बच गए, 10 में से 4 गए 6 बच गए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 49/64, इसका आंसर आ जाएगा पहले का, ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया पूरा पूरा। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग अपने से पूछा गया है, ये पहला भाग मैंने हल कर दिया पूरा पूरा। ठीक है, अब दूसरा भाग मैं वापस बताता हूँ, पहला भाग कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
दूसरा भाग इसका है कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना। देखो कोट का मान तो 7/8 दे ही रखा है इसने, स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर 7/49, 8/64, सीधी सी बात है, आंसर आ गया। ये जो छोटा क्वेश्चन था ये तो ठीक है, तो ये आपका सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 7/49, 8/64, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह सातवां क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आठवां क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं साथ साथ कि याद कंप्लीट कर लेते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें, ठीक है। आठवां क्वेश्चन अपने पास दे रखा है इसमें, आठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें अपने दे रखा है कि थ्री कोट ए बराबर में 4 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो अपने को जाँच कीजिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि जाँच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, बराबर में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको चार्ज करें, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे 3 cot A = 4, कोट ए है, ठीक है, यहाँ कोट ए बराबर 4/3 आ जाएगा, ठीक है। लाल बट्टे का काप को याद रखना है इसके अंदर विशेष तौर से, ठीक है, लाल बट्टे का काप, ठीक है। कोट कहाँ आता है साइन, देखो साइन कॉस टेन कोट यहाँ आता है, आधार बट्टे लंब हो गया। करण बच गया अपने पास में, करण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, करण का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आधार कितना अपने पास में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, 16 और 9 25 हो गए, और 25 का कितना होता है 5, ये आपका करण आ गया, ठीक है। और टेन का मान क्या लिखे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे टेन ए कितना होता है, टेन साइन कॉस टेन लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है अपने पास में ध्यान से देखिए 3, आधार कितना है आधार 4, 3/4, उसके बाद में आपको कॉस ए भी ज्ञात करना है, कॉस ए भी ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस ए का मान कितना है अपने पास में, कॉस क्या होता है बताइए, यहाँ आता है आधार बटे करण, आधार कितना है अपने पास में 4, ठीक है, करण कितना है 5, ठीक है। अब साइन ए ज्ञात की लंब बटे करण होता है, लंब कितना देर का अपने पास में 3 देर का है, करण कितना है 5, ठीक है, ये सारे मान। अब ये मान होते हैं वो इसके अंदर रख के आपको हल करने हैं, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है LHS भाग, यहाँ लिखेंगे LHS, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस टेन का मान कितना है यहाँ पर देखिए 3/4, 3/4 का स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 3/4, ठीक है, तार लेंगे। अब इसको यहां से देखो वापस 1 माइनस 3/4 का 3 9/16 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 9/16 आएगा, ठीक है। अब यहां इसको आगे कर सकते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो गया। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, इसका लघुत्तम 16 आ जाएगा और 16 प्लस 9 आएगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा अपने पास में, ध्यान रखना 16 में से 9 गए 7, 16 9 25, ये 7/25 आ जाएगा, किसका, इसका मान आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर ही आ गया। अब दूसरा RSS भी हल करना पड़ेगा, RSS भाग भी हल कर, RSS अपने पास में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस का मान कितना है ध्यान देखो 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर लो, 4 16/25 हो गया और ये 9/25 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए 7, 7/25 देख लीजिए, इसका भी 7/25, इसका भी 7/25, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि LHS भाग बराबर RHS,
ये दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। LHS भी बराबर आ गया और RHS भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है आठवां क्वेश्चन, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हम नौवां क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना। नौवां क्वेश्चन अपने पास में लिखा हुआ है, तो त्रिभुज ABC में नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है। ये एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा बना लेते हैं, छोटा डायग्राम बना लेते हैं, और बी समकोण है, ये बी समकोण लिखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब AB और ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये समकोण क्या, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है टेन ए बराबर, यहाँ लिखा हुआ है टेन ए बराबर 1/√3 हो। ठीक है ना, ये नवा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, लाल बट्टे कक्का लिखो पहले, देखो साइन कॉस टेन लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन यहाँ आता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। करण बच गया अपने पास में, तो करण याद करने का, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना है √3, √3 का स्क्वायर से लिखना है, लंब कितना है एक का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, 3 × 1 = 4 हो गए, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो करण कितना आ जाएगा पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहला भाग इसका दे रखा है, वो निकाल ध्यान से देखिए, इसमें पहला भाग लिखा है साइन ए कॉस सी, इसका पहला भाग दे रखा है साइन ए कॉस सी। ठीक है, और प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये ज्ञात करना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए का मान क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, बता सकते हो? तो पहले हम अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, इसके पहले आप साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, देखो लंब बटे कर्ण, लंब कहता है इसमें साइन ए, ये रहा इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, मान यहाँ लिख लीजिए पहले, लंब कहता है एक है, सॉरी लंब एक नहीं है, आधार कहता है √3, ये आधार √3, लंब एक और कर्ण दो, ये है, ध्यान रखना। ठीक है, साइन ए का मान बताना है आपको। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है साइन ए, लंब बटे कर्ण ए, इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाती है, √3 यहाँ आ जाएगा, कर्ण का 2 हो जाएगा, कोस सी इसके सामने की भुजा, कोस का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कोस सी इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, इसका आधार ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कोस ए ज्ञात, कोस ए, कोस का मान कहता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, कोस ए ये रहा, इसके सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार हो जाएगी, ए कर्ण तो वही, साइन सी साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, सी ये रहा, इसके सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण तो वही। अब ये मान आए वो यहाँ उतार लीजिए, साइन ए के लिए ध्यान रखना, साइन ए की जगह अपने को क्या लिखना है बताओ, √3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, गुणा का निशान माना जाता है, यहाँ ये पॉइंट है, इसको भी गुणा है, कोस सी का मान √3/2, आगे प्लस का निशान, कोस ए लिखा हुआ है 1/2, गुणा का निशान साइन सी का 1/2, अब √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 गुणा 4, बस 1 को 1 से 1 आ गया, 2 × 4। ठीक है, 3/4 और 1/4 आप इनकी जोड़ करोगे तो सीधा 1 आंसर, ये आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला भाग इसका हल हो गया है। ठीक है, अब दूसरा भाग इसके अंदर और दिया हुआ है, वो भी याद करना पड़ेगा अपने को, कोस ए याद करना है। ठीक है, कोस सी भी याद करना है इसमें, इसका दूसरा भाग। ठीक है, तो दूसरा भाग मैं यहीं लिख देता हूँ, कोस ए
कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। अब कोस ए का मान यहाँ देख लिखे हुए इसमें, कोस ए का मान 1/2, यहाँ 1/2 उतार लीजिए गुना। कोस सी का मान देखो, कोस सी ये रहा √3/2, उतार लीजिए √3/2 माइनस साइन ए का मान देख लीजिए √3/2 गुना साइन सी का मान 1/2 √3/4 हो जाएगा, ये भी √3/4 कट जाएगा, इसका मान बता देगा 0 यहाँ, ठीक है। ये आंसर ये हो गया, ये दो भाग थे इसमें ज्ञात हो गए, ये 9वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक 10वां क्वेश्चन है, वो आप चित्र से देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन उतारना चाहिए, उतार लेना चित्र से, ठीक है ना। ये 9वां क्वेश्चन था, चित्र मैंने करवा दिया है आपको, स्क्रीन शॉट ले, स्क्रीन शॉट ले लेना आप लोग ध्यान से, ठीक है, ओके। अब हम लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन करते हैं इसका, 8.1 का 10वीं क्वेश्चन है इसके अंदर, 11 क्वेश्चन तो सत्य है, सत्य वाला है, आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन को ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक है, ये डायग्राम है, ठीक है, क्यू समकोण है, ये रहा क्यू, इसका मतलब पी ये हो जाएगा, क्यू ये रहा, ये आर रहेगा, ठीक है ना, ये कह रहा है क्यू समकोण है, ठीक है ना। उसके बाद इसने दे रखा है कि पी आर, इसने लिखा हुआ है सवाल में दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर कितनी दे रखी है, 25 सेमी दे रखी है, 25 सेमी दी है दोनों की, पी क्यू 5 दे रखी है, पी क्यू कितनी दी हुई है, 5 सेमी दे रखी है आपको दी हुई है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी आपको याद करना है, ध्यान रखना, पी क्यू ये भी 5 सेमी, इसका मतलब ये 5 सेमी दी हुई है, ठीक है। देखिए ये रहा, अब अपने पास में पी आर हमें पता ही नहीं है, पी आर और क्यू आर इन दोनों का मान ये कह रहा है 25 है, दोनों का मान कितना है, 25 है, ठीक है। तो हम इसको एक को क्या मान लेते हैं इसमें से, मान लीजिए यहां लिख देंगे, माना पी आर आपने एक्स मान ली, कितनी मान ली, यहां लिख देना माना आपने कितनी और लिखा, पी आर कितनी मानी हमने, एक्स सेमी मान ली, ठीक है, ठीक, पी आर कितनी मान ली आपने, एक्स मान ली, ठीक है। तो क्यू आर कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो अपने पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखी, पी आर हमने कितनी मान ली, एक्स मान ली, प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स, क्यू आर कितनी आ जाएगी, 25 माइनस एक्स आ जाएगी, 25 माइनस एक्स ये हो जाएगी और ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कह रहे हैं इन दोनों का योग करोगे आप लोग तो 25 आएगा, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए, प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, पीछे 25 ही बचेगा। अब हम ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर होता है, पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये ध्यान रखना। पी आर, पी आर अपने पास में कितनी है ये ध्यान से देखो, पी आर कितनी है, एक्स, यहाँ लिख देंगे एक्स का स्क्वायर बराबर, क्यू आर कितनी है अपने पास में, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस पी क्यू कितनी है अपने पास में, पी क्यू यानी 5, यहाँ 5 लिखेंगे ध्यान से, ठीक है, इसको अलग एक्स का होल स्क्वायर इसको अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ये ऐसे लाइन एक बार लिख देता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये बराबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा के इसको हल कर लेंगे, 25 का स्क्वायर तो 625 होता ही है, माइनस ए बी, 2ab आता है ना, तो 50 × 25 × 50 एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये आएगा, ये ध्यान रखना विशेष तौर से आप लोग,
25 का वर्ग करेंगे 625 आएगा, माइनस इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करके दो से गुणा करनी होती है, 25 को x से गुणा करो 25x, 25 को दो से गुणा 50x आ जाएगा, इसका वर्ग करते और ये प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर से काट सकते हैं हम, ध्यान रखना ये, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस होगा, वैसे भी कट जाएगा। अब ध्यान रखना ये माइनस का 50x है ना, इसको इधर लियो, ये प्लस का 50x हो जाएगा और 625 और ये 50 कितने हो जाएंगे 650 हो जाएंगे, 625 है ना, ये भी प्लस का 25 और 25 50 650 एक्स बराबर 650 बट्टा कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स से जीरो से जीरो कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 13 5 65 होते एक्स बराबर 13 आ गया, एक्स का मान कितना आया 13 आया, तो हम क्यू आर ज्ञात कर सकते हैं, क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस एक्स का मान आपके पास 13 आ गया, तो 25 में से 13 गए 12 बच गए, तो क्यू आर आपके पास में कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ मान ढंग से उतार सकते हैं इसमें से, इस डायग्राम में, ठीक है ना, क्यू आर आपके पास में कितनी आ जाएगी, क्यू आर ये भी कितनी आ जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब जो इसके मान दिए मैं वो चीज देखो, साइन पी पूछा इसने, साइन बराबर लंब बटे करण, तो ये साइन बराबर, ठीक है ना, लाल बटे करता लिख लीजिए, लंब बटा करण, ये लंब बटा करण, साइन पी, ठीक है, ये रख पी, इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है ये वाली, क्यू आर ये लंब कहलाएगी, ठीक, तो क्यू आर अपने पास में कितनी है 12 यहाँ, और करण कितना है अपने पास में, करण ये है पी आर, पी आर का मान अपने पास में कितना है बताओ, ठीक है ना, पी आर, पी आर किसको माना था, इसको माना था ना 13, ठीक है ना, ये कितनी आ जाएगी 13, करण कितना हो गया 13, ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन पी का मान ही आ गया। उसके बाद पूछा है कोस पी, यहाँ लिखो कोस पी, ठीक है ना, कोस पी पूछा हुआ है, कोस का मान क्या आएगा, आधार बट्टे करण आएगा, आधार बट्टे करण, कोस पी कोस यारा, इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, ये आधार हो जाएगा जो 5 5 बटे 13 हो जाएगा, कर्ण हमेशा 13 ही रहेगा। अगला पूछा है टेन पी, टेन पी, टेन कहाँ आता है देखो, साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार आता है, लंब बटे आधार आते, टेन पी इसके सामने की भुजा ये लंब होती है जो है, क्यू आर, क्यू आर कितनी है 12 आई थी, आधार कितना आया था अपने पास में, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 12 बटे 5 ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी के साथ में आपकी 8.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है, मैंने 10 सवाल थे, 10 सवाल आपको पूरे करवा दिए, धन्यवाद। जो भी सवाल समझ में नहीं आए हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।